In today's lecture, let's discuss about some questions related to tissues. Okay, so here is our first question. Differentiate between parenchyma, collenchyma, sclerenchyma on the basis of cell wall. ठीक है, बहुत डिटेल में हमने डिफरेंस स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है जब भी हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल के बेसिस पर ही डिफरेंस बताना है, बहुत सारे पॉइंट सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो हेयर आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म PCS. ओके, PCS मीन्स पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. ओके, पैरेन्काइमा में सेल वॉल कैसी होती है, स्क्लेरेन में कैसी होती है, ये हमने बताना है. सो पैरेन्काइमा, एज आई टोल्ड यू, कि इसमें बिल्कुल थिन सेल वॉल होती है, बहुत पतली सेल वॉल होती है. ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं और इसकी सेल वॉल में. ओके, पतली है, थिन सेल वॉल है और कैसे है, लिविंग सेल्स हैं यहाँ पर. नेक्स्ट कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा में देखिए सेल यहाँ पर भी लिविंग है, यहाँ पर भी लिविंग है. ओके, जो सेल वॉल की सेल्स हैं, बट यहाँ पे थिन सेल वॉल है और यहाँ पे थिक सेल वॉल है. लेकिन थिक कैसे है, वो अनइवन. डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया था, अनइवन का मतलब है कि कुछ जगह पे थिक है और कुछ जगह पे थिन भी है. ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली थिन है. नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा में टोटली थिक सेल वॉल है और वो थिक सेल वॉल किस चीज़ से बनती है, लिग्निन नाम का एक कंपाउंड है, उस लिग्निन से बनती है. ये लिग्निन क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल वॉल को वाटर प्रूफ बनाता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग. ठीक है, ये आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपने कंप्लीट करना है. परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है. नाउ वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन कि सिंपल फर्दर कितने टाइप का होता है, तीन तरह का होता है और कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है. इज दैट क्लियर. नाउ सिंपल का आपको गिवन है कि कॉलेनकाइमा, तो ऑब्वियसली दो कौन से बचे, हेयर गिवन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मीन्स पी सी एंड एस. ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स भी दो तरह के होते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है, सॉरी आई फॉरगेट दिस, यहाँ पे जाइलम गिवन है. अब कॉम्प्लेक्स में जाइलम गिवन है तो दूसरा कौन सा होगा, ऑब्वियसली फ्लोइम. ओके, सेकंड वन इज फ्लोइम, सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क था क्वेश्चन में. ओके, सो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोइम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, सो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है फ्लो चार्ट की फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर हम बात करें, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट. ठीक है, कौन सा टिश्यू है जो कोकोनट का हस्क फॉर्मेशन करता है. हस्क क्या होता है, कोकोनट का बाहर वाला पार्ट, छिलके जो होते हैं ना, ब्राउन कलर के हेयरी स्ट्रक्चर होता है, हार्ड हेयरी स्ट्रक्चर, छिलके जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट. वो किस चीज़ से बनता है, कौन से टिश्यू से बनता है, तो देखिए वो कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड बाल है ना, वो हार्डनेस कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा. वी हैव डिस्कस्ड स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि उसकी सेल वॉल्स थिक होती हैं लिग्निन की वजह से और लिग्निन स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है और वाटर प्रूफ भी होते हैं. भीग जाते हैं ना नारियल, लेकिन अंदर पानी नहीं पहुंचता उसके, क्योंकि दे आर वाटर प्रूफ. ओके, सो हैंस आंसर क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, बिकॉज हार्ड एंड लिग्निफाइड वॉल्स. क्वेश्चन नंबर टू इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द टिश्यू इन द फॉलोइंग. आपको कुछ गिवन है पार्ट्स, आपने बताना है उसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं. सो दीज आर सम गिवन पार्ट्स एंड दिस इज द आंसर. सो हेयर आर गिवन पार्ट्स, स्किन. सबसे पहले स्किन, स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम. ओके, स्किन देखिए कहाँ है, ये स्किन है हमारी पूरी, ठीक है, पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, दैट मीन्स स्किन थिन होती है और स्किन के सेल्स भी कैसे होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे. तो थिन और फ्लैट सेल्स हमें कौन से टिश्यू में मिलते हैं, स्क्वैमस एपिथीलियम में मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्क. बार्क में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो बार्क क्या होती है, बाहर वाला पोर्शन, छाल जिसको बोलते हैं, स्टेम होती है ना ट्री की, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री है ये, तो उसमें क्या मिलता है, छाल में कॉर्क टिश्यू मिलता है, डेड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है. हमने डिस्कस किया था एक सबरिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ना बुढ़ापे में, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता जाता है तो उसमें कॉर्क बन जाता है, जो बूढ़े डेड सबराइज्ड सेल्स होते हैं, सबरिन जिसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है,
सबरिन क्या करता है कि इम्परवियस टू वाटर एंड गैस एक्सचेंज होता है, ये गैस और वाटर का एक्सचेंज नहीं होने देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोन। बोन में कौन सा टिश्यू होता है? देखिए बोन भी क्या है, हार्ड, बट बोन इज नॉट अ प्लांट टिश्यू, बोन इज एन एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में बोन में कौन सा आएगा? स्केलेटल। ओके, नेक्स्ट इज लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल। किडनी टिब्यूल की लाइनिंग में कौन सा प्रेजेंट होता है? मैंने बताया था क्यूबोइडल एपिथीलियम। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी ये बनाता है आगे चल के। ठीक है, आपने इतना याद रखना है, क्यूबोइडल एपिथीलियम, क्यूब लाइक सेल्स किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वैस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल इन केस ऑफ प्लांट्स। हमारे अंदर नहीं है, वैस्कुलर बंडल प्लांट्स में ही मिलेंगे। दो तरह के होते हैं, एक वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए और एक फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। सो देयर आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड फ्लोएम फूड के लिए। नाउ जाइलम जो है उसमें कौन से टिश्यू होते हैं? चार तरह के टिश्यूज हैं या चार कंपोनेंट्स हैं जाइलम के। कौन कौन से? वी हैव डिस्कस्ड ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्केमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, सिमिलरली फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा और फाइबर्स तो सेम रहेंगे, पी एंड एफ। और कौन से है फ्लोएम में? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो आपने याद रखना है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम में, और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम में, और बाकी पेरेन्काइमा फाइबर्स तो सेम है दोनों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेम द फॉलोइंग टिश्यू डेट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग बनाता है? सो आई टोल्ड यू कौन सा होता है, स्क्वामस एपिथीलियम। ठीक है, क्योंकि थिन फ्लैट सेल्स हैं हमारे माउथ के अंदर। ओके, सेकेंड इज टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स इन ह्यूमन्स। ठीक है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि कनेक्शन है मसल और बोन के बीच का ह्यूमन बींग्स में? सो दैट इज टेंडन। क्या कहेंगे उसको? टेंडन। नेक्स्ट इज टिश्यू डैट स्टोर्स फैट इन आर बॉडी। ऐसा टिश्यू जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करता है। सो आई टोल्ड यू जहां भी फैट वर्ड आ जाएगा दैट इज रिलेटेड टू एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज टिश्यू डैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन होता है? फ्लोएम। एंड वाटर ट्रांसपोर्टिंग इज जाइलम। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूड मैट्रिक्स। तो ये ब्लड, ब्लड क्या होता है? फ्लूड ही है ना, और क्या होता है ये? कनेक्टिव टिश्यू होता है। आई टोल्ड यू टिश्यू डैट प्रेजेंट इन द ब्रेन। टिश्यू जो प्रेजेंट होता है ब्रेन में, नर्वस टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरोन। वॉट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट वॉट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? सो वी ऑल नो कि एपिडर्मिस जो है वो एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, प्रेजेंट होती है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में प्लांट के। तो जो भी चीज बाहर होती है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। सो एपिडर्मिस एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। कोई इंजरी ना हो जाए अंदर के जो टिश्यूज हैं, अंदर के टिश्यूज को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, डीप टिश्यूज को, एंड वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करता है एपिडर्मिस, और इन्फेक्शन से भी सेल को बचाता है। तीसरा बोल सकते हो कि इन्फेक्शन से भी ये सेव करता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू टिश्यूज।